अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह मुसीबतों के पहाड़ हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम पर टूट पड़े। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम को सब्र का फल मिलता है। हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम ने मुसीबत और परेशानी के इन हालात में भी खुदा की इबादत तर्क न की। प्यारे बच्चों, इन तकलीफ़ में भी आप अपनी ज़बान पर खुदा का जिक्र रखते, क्योंकि आपको इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ़ के बाद राहत मिलती है। उन्हें यकीन था कि खुदा मुझे सब्र का फल ज़रूर देगा। आखिर खुदा को हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम के हाल पर रहम आ ही गया। आपकी आजमाइश के दिन ख़त्म हो गए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इस हालत में, इस तकलीफ़ में अय्यूब अलैहि सलाम 20 साल तक रहे, लेकिन कभी आप अलैहि सलाम ने अल्लाह से शिकायत नहीं की। इतनी तकलीफ़ में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह की इबादत करते। एक दिन खुदा के हुक्म से ज़मीन से पानी का चश्मा उबलने लगा। खुदा ने आपके दिल में ये बात डाली कि इस चश्मे का पानी पियो और गुस्ल करो। प्यारे बच्चों, अय्यूब अलैहिस्सलाम रोज़ाना ये पानी पीते और गुस्ल फरमाते। खुदा के फजल व करम से आपका मर्ज़ ठीक होता गया। एक दिन आप पूरी तरह सेहत याब हो गए। आप अलैहिस्सलाम के खेत भी हरे भरे हो गए, बागों में बहार आ गई, गम के बादल छट गए, ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतरे थे, आप अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो गए। कहानी ख़त्म होने के बाद नानी अम्मा ने पूछा, बच्चों बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। आसमा, जो उम्र में सबसे बड़ी और सयानी थी, यानी होशियार थी, बोली, नानी अम्मा हमने सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है।